हमारे स्पिनोज़ा जी जो हैं वो सबको ईश्वर के नशे में मस्त करके छोड़ गए, इंटॉक्सिकेटेड, गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर उनको कहा जाता है। ये इंटॉक्सिकेशन जो है ये कोई अफीम का या भंग का इसका नशा नहीं है, ये है लव ऑफ गॉड। यही उन्होंने कहा था कि आदमी की ज़िंदगी का सबसे ऊंचा स्थान, जिसे हम हिंदुस्तान में मोक्ष कहते हैं, और उन्होंने उसको कह दिया समम्बोनम। तो उन्होंने हमें वहाँ छोड़ दिया समम्बोनम में कि आप लव ऑफ गॉड प्राप्त करो किसी तरह से, और वो जब प्राप्त होगा, जब आप गॉड की नेचर को समझ लोगे अच्छी तरह क्या है, तो ये ऐसी जगह खड़े कर गए हमें कि उन्होंने कहा कि आप जो कुछ करना चाहते हो पहले गॉड को समझने की कोशिश करो। अब इनके विचार और डेकार्टे के विचार, डेकार्टे ने भी गॉड को अल्टीमेट सब्सटेंस माना, इन्होंने भी गॉड को अल्टीमेट सब्सटेंस माना, थोड़ा गॉड की नेचर में अंतर हो गया। इन्होंने गॉड को कहा गॉड एंड प्रकृति वन एंड द सेम थिंग, प्रकृति एंड गॉड वन एंड द सेम थिंग। डेकार्टे अलग मानते थे मैटर को, वो कहते थे मैटर और माइंड उसकी दो। अब लेबनीज जो हैं ये जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है, इनके फादर तो खैर फिलॉसफी पढ़ाते थे लेब्जिग यूनिवर्सिटी में, तो बचपन से ही घर में उन्होंने परंपरा में कुछ थोड़ी बहुत फिलॉसफी सीखी। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है, दो बातें कही जाती हैं कि लेबनीज से पहले जर्मनी में कोई फिलॉसफर पैदा ही नहीं हुआ। अब 1600 कुछ में पैदा हुए है, तो तब तक जर्मनी में सिर्फ क्रिश्चियनिटी का, यानी दोनों तरह की क्रिश्चियनिटी, लुथेरियन भी थे और रोमन कैथोलिक भी थे, टकराव भी उनमें होते रहते थे, लेकिन रिलीजन का ही प्रभाव जमा था वहाँ, प्रभुत्व बिल्कुल किसका था, पूरी तरह से रिलीजन की जकड़ में थे और पक्के रिलीजन की जकड़ में थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी थे। तो सबसे पहला जो थिंकर है इनके यहाँ जिसने स्वतंत्र चिंतन, बिल्कुल जो डेकार्ट ने कहा था कि रिलीजन को ख़त्म करो, रिलीजन के चंगुल से छुड़ाओ फिलॉसफी को, या बेकन ने कहा था कि मैं नोवम ऑर्गेनम के जरिए से सारे मूर्ति भंजक कर रहा हूँ, तो लेबनीज भी वो आदमी है जिन्होंने जर्मनी के अंदर फ्रीडम ऑफ थॉट, तो इसलिए इनको पहला फिलॉसफर माना जाता है जर्मनी का, फर्स्ट थिंकर ऑफ जर्मनी। एक तो ये बात है लेबनीज के अंदर। दूसरा ये माना जाता है कि जैसे प्राचीन काल में एरिस्टोटल थे, बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका, वैसे प्लेटो का भी था, प्लेटो ने भी एजुकेशन पे भी लिखा, स्टेट्स पे भी लिखा, लेकिन एरिस्टोटल ने तो 40 सब्जेक्ट पे लिखा और 400 किताबें लिखी हैं। तो ऐसी बहुआयामी प्रतिभा का आदमी सोक्रेटिस के बाद अगर कहीं यूरोप में दिखाई देता है तो लेबनीज दिखाई देते हैं। इनकी प्रतिभा भी बहुआयामी है, इन्होंने सब सब्जेक्ट पर विचार किया है और कुछ ना कुछ थोड़ा, लेकिन मुख्य चीज़ इनकी फिलॉसफी रही है, क्योंकि फादर फिलॉसफर थे इसलिए, तो मुख्य चीज़ तो फिलॉसफी रही है, लेकिन इन्होंने सब चीज़ों पर, तो हम इनको ऊंचे कोटि के विद्वानों में लाते हैं जर्मनी के लेबनीज के। इन्होंने चार चीज़ें हमें लिख करके दी हैं, वैसे तो इन्होंने सारा लंबा चौड़ा काम किया है, बहुत घूमे ये, बड़े बड़े आदमियों से मिले, ये स्पिनोज़ा से इससे भी जाके फ्रांस में मिले, फ्रांस में गए और स्पिनोज़ा से डायरेक्ट बातचीत की उन्होंने। ये अपनी किताब जो तैयार की थी उस पर कांट से, जर्मनी का जो फिलोसफर था, फिलोसफर वहाँ का फिलोसफी डिपार्टमेंट का हेड था, उससे अपनी किताब पर
प्रीफेस लिखवाना चाहते थे, लेकिन इनकी डेथ हो गई, रह गई वो किताब उस पर। तो ये सब बड़े बड़े आदमियों से, जितने दुनिया में बहुत बड़े बड़े आदमी इनको दिखाई दिए, और पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ था। जर्मनी का आदमी जो था, वो जर्मनी में बहुत अपने किंग को, जर्मनी के बड़ी उसकी शक्ति को मजबूत करने के लिए काम किया, और वो जर्मनी से जाके इंग्लैंड में पहुंचा, फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में सब कोई किंगडम वगैरह नहीं थी, ऐसी अफरा तफरी थी, लॉलेसनेस थी। तो ये पहला इंग्लैंड का पहला किंग भी इन्होंने ही दिया बना करके। तो लेबनीज ने सबसे मिलने के बाद इस नतीबर पहुँचे कि ये तो इन्होंने ठीक कहा है कि जो बुद्धि, वो नॉलेज है, वो बुद्धि से ही आएगी। इन्होंने उनको बड़ा कंडेम किया है, जो लोग अनुभव पर आश्रित मानते हैं, स्पाइनोजा की तरह से, कि अनुभव पर जो आश्रित ज्ञान है वो ज्ञान तो ओपिनियन है। और स्पाइनोजा की तरह उन्होंने कहा कि उसमें तो हमारी पुरानी परंपराएं में मिल जाती हैं, हमारा पुराना देखने का ढंग में, उसमें कोई मैजिक भी मिल जाता है हमें, हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है, हमारा हेलुसिनेशन भी कई बार काम कर जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग इसी को ज्ञान मानते हैं उनको मैं अज्ञानी मानता हूँ, बिल्कुल अज्ञानी। तो इन्होंने रैशनलिस्ट हैं ये भी, यानी रीज़न को ही, बुद्धि को ही ज्ञान का आधार मानते हैं उनकी तरह से, जैसे इनके दोनों पुराने आदमी थे। तो ये कहते थे कि ज्ञान का जो आधार है वो तो बुद्धि है, और बुद्धि के आधार पर इन्होंने अपने ही जो प्रेडिसेसर थे, क्योंकि ये डेकार्ट को खैर मिल नहीं सके थे, उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन स्पाइनोजा को भी मिले, और जो ब्रूनो वगैरह थे वहाँ, बड़े अच्छे अच्छे थिंकर थे वहाँ फ्रांस के, उनको भी मिले, मेटीरियलिस्ट लोगों को भी मिले, जो बिल्कुल पक्के मेटीरियलिस्ट थे, मेल ब्रांचे को भी मिले, जो कट्टर भौतिकवादी था। तो सब लोगों को मिलने के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके अंदर बड़ा भारी दोष रह गया है, उस दोष को कहीं भी जहाँ भी रखोगे वो रिकनसाइल नहीं हो पा रहा। डेकार्टे को उन्होंने लिया पहले, उन्होंने कहा डेकार्टे ने ये तो बात ठीक कह दी कि सबका जो ग्राउंड है, अल्टीमेट सब्सटेंस जो है वो गॉड है, लेकिन वो गॉड को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि गॉड के साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस एक जो है एक्सटेंशन, उसको उन्होंने मैटर नाम दिया। भौतिक चीज़ों में जितनी भी हैं सब में एक्सटेंशन होगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा वो थॉट, माइंड जो है, वो माइंड के अंदर आइडियाज ही आइडियाज आएंगे। देखो कहने लगे कि अपने ही लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, जब तीन सब्सटेंस हैं तो एक दूसरे को तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कारण क्या है, उसका कारण ये कि डेकार्टे ने परिभाषा गलत दी सब्सटेंस की। उन्होंने परिभाषा ये दी कि जो चीज़ गुणों का आधार हो और उसका कोई आधार ना हो वो सब्सटेंस है। तो कहते ये परिभाषा ठीक नहीं थी। इसी तरह कहते तो डेकार्टे का उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म उस पर किया कि डेकार्टे की प्रॉब्लम जो थी, इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट की वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आगे फिलोसफर्स के लिए ये प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। माइंड एंड बॉडी का क्या रिलेशन है, माइंड का हमारे थॉट का हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, और हमारी बॉडी का हमारे थॉट के साथ क्या रिलेशन है, फिजिकल जगत का मेंटल जगत से क्या रिलेशन है, और मेंटल जगत से जगत क्या रिलेशन है। आइडियलिस्ट तो ये कहेंगे, आदर्शवादी लोग तो ये कहेंगे कि आइडिया जो हैं वो जगत को बदल देते हैं। गांधी जी एक बड़े भारी, वहाँ के लोग तो हैं ही फ्रांस के, यहाँ का हम हिंदुस्तान के, क्या कि गांधी जी का एक विचार आया, गांधी जी के मन में
हिंद स्वराज का विचार आया, उन्होंने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी। तो हिंद स्वराज का विचार आया और हिंद स्वराज के विचार में उन्होंने इतनी परिवर्तन ला दिया लोगों के थिंकिंग में, जिसको गांधी जी ने खुद ही लिखा है कि जो क्रांतिकारी लोगों को भड़का रहे हैं, भगत सिंह को भड़का के उससे गोली मार दी, उन्हें क्रांति का अर्थ ही पता नहीं है। क्रांति एक गोली मारने से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है पब्लिक उसके साथ खड़ी हो। भगत सिंह ने जैसे ही गोली मारी थी, सारे हिंदुस्तान के लोग गोलियां लेकर खड़े हो जाते, तब तो थी क्रांति। और अगर क्रांति, अगर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी तो इससे क्रांति नहीं आती, तो क्या करें फिर? अहिंसा। और अहिंसा में भी गांधी ने कहा कि जो इन्होंने तरीका अपनाया है अंग्रेज़ों ने हमें हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का, उसी तरीके से इनके देश को गुलाम बनाओ। और वो है इकोनॉमिक, इन्होंने हमारी सारी इकोनॉमी छीन करके, हमारे जुराए जो थे जिनकी मलमल राजाओं के घरों में पहनी जाती थी, उनके अंगूठे काट काट करके हमारे देश की इकोनॉमी को ठप कर दिया और अपने देश का कपड़ा ला के हमारे यहाँ बेच दिया। तो यही करो, अंग्रेजी कपड़े का बिल्कुल बॉयकॉट करो, इंग्लैंड से जो कपड़ा है उसकी चौराहे पर होलियाँ जलाएं और स्वदेशी पहनाया, तो एक देश का विचार ही बदल गया। तो आइडियलिस्ट तो ये कहते हैं, आदर्शवादी, कि विचारों से देश का भौतिक जगत सारा बदल जाता है। लेकिन जो भौतिकवादी हैं वो इस बात को नहीं मानते। भौतिकवादी कहते हैं कि पहले भौतिक जगत में कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे मार्क्स है, तो मार्क्स ये कहेगा कि हमारा जो प्रोड्यूस, हमारी जो प्रोडक्शन के साधन हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उन साधनों से जैसा समाज बनेगा, उस समाज के हिसाब से आदमी के आइडियाज़ बनेंगे। तो हमारा समाज जो था वो ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज में 80% लोग ग्रामीण थे, वहीं उनके यहाँ पावर्टी यही थी कि उनकी इंडस्ट्री को कोई जगह नहीं दे रहा था शहर में। तो कहते हैं वहाँ से गांधी जी ने लिया कि देसी चीज़ों को बाहर लाओ। तो अब दोनों तरफ से लोग अलग अलग बातें करते हैं कि आइडियाज़ चेंज करते हैं समाज को या समाज चेंज करता है हमारे आइडियाज़ को। ये दोनों तरह की समस्याएँ चल रही हैं आइडियाज़। लेकिन हमारे जो लाइबनीज हैं वो कहते हैं इनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है कि हम दोनों में मेल नहीं बिठा पा रहे, क्योंकि हमने सब्सटेंस की परिभाषा गलत दे दी। इसी तरह उसने कहा उस समस्या को कि आइडिया जगत को बदलते हैं या जगत आइडियाज को बदलता है, स्पाइनोजा ने कोशिश करने की कि माइंड मैटर को इन्फ्लुएंस करता है या मैटर माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। तो उन्होंने कोशिश करके क्या किया कि मैटर को ईश्वर का ही स्वरूप बता दिया, सारा मटेरियल जगत जो है भौतिक जगत ये ईश्वर की वो हो रही है, मैटर को अलग से उन्होंने कोई सब्सटेंस नहीं माना। तो इससे समस्या तो सुलझ गई कि सब्सटेंस तो एक ही हो सकता है, जो उन्होंने बात कही थी तीन सब्सटेंस, वो तीन सब्सटेंस नहीं हो सकते, तीन रियलिटी नहीं हो सकती। तो डेकार्टे की वो चीज़ तो सुलझ गई कि तीन सब्सटेंस वाली इन्होंने सुलझा थी, माइंड और मैटर का जो संबंध था उसको ये अच्छी तरह नहीं सुलझा पाए, पैरेललिज्म ला दिया इन्होंने कि माइंड और मैटर बिल्कुल पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, वो इसको इन्फ्लुएंस करता है ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पैरेललिज्म जो है ये ठीक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है।